उसमें क्या करना है, इस बार एक आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, हमारे वो ग्रुप में आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या क्या इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है वो आपको अपने लेवल पे देखना है। बेसिकली होता क्या था, स्वीप प्लान बनता था हायर अप से। ये हमारी मशीन जो है वो स्टार्ट हो गई। अगर हमारी मशीन कंट्रोल जुंड में अगर नहीं ठीक ढंग से चलती है तो इसका मतलब ये है कि हमें जो कनेक्शन दिए हैं वो सही ढंग से कनेक्शन नहीं दिए हुए। मेरा नाम सोनिका शर्मा है, मैं उत्तरवैनी में रहती हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी है, मैंने सुना था कि वोट डालते हैं, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं भी वोट डालूंगी। अब जब अगले इलेक्शन आएगा उसमें मैं वोट डालूंगी, उसमें उसके लिए मुझे बहुत बड़ी खुशी है मैं कि अपना मतदान डाल पाऊंगी। हमारे 14 नेशनल वोटर्स डे के, एक तो मैं सबसे पहले सबको बधाई देता हूँ इस दिन के लिए। इसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और हमारे काफ़ी नए वोटर्स इसमें बने गए हैं। यहाँ पे हमने 5 नए वोटर्स को एपिक कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लेकिन हमारे जो वोट्स बने हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में बने हैं, और उनके सबके एपिक कार्ड जैसे प्रिंट हो गए उनको दे दी जाएंगे। इस वोटर्स डे के 2 मकसद थे, एक तो जो नए वोटर्स बने एपिक कार्ड उनको एपिक कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना था, दूसरा ये कि स्वीप प्लान के तहत इसमें अवेयरनेस क्रिएट करनी थी कि कोई भी वोटर हमारा छूटना नहीं चाहिए। इस बार का जो हमारा मोटो था कि नथिंग लाइक वोटिंग आई विल वोट फॉर श्योर, उसका मकसद ही यही है कि हमारा हर एक नया वोटर उसमें ऐड हो और हर वोटर्स पोलिंग स्टेशन जाके वहाँ पे अपना जो वोट है वो पोल करें। इसके लिए हमारे BLO साहिबान और हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं, हमारे जो कॉमन लोग हैं, PRS मेंबर्स, वो सारे यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी था और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना कि हर एक वोट इम्पॉर्टेंट है, हर एक वोट वैल्यूएबल है और उसका प्रॉपरली अच्छे से यूज़ करें। हमारे यहाँ जो टोटल पॉपुलेशन का 64% जो लोग हैं वो एनरोलमेंट हो चुकी है, जो स्टेट जो सेंटर की एक एवरेज होती है 64 से लेकर 66, हम उस एवरेज में फॉल करते हैं। तो हमारे जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो सारे रजिस्टर हुए हैं, जो नए वोटर्स हुए हैं वो हम एडअप कर रहे हैं। कोई अगर वोट छूटा है तो आपके माध्यम के से मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर किसी का वोट अभी भी किसी भी वजह से नहीं बना है और वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, उसकी 18 साल एज है और वो भारत का रहने वाला हमारे यहाँ का नागरिक है, हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला है, तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोट उसका बनना ज़रूरी है। और हमारा इस टाइम पे वोटिंग का प्रोसेस चल रहा है, कोई भी अगर छूटा है तो वो कंसर्न BLO के पास, कंसर्न AERO के पास या ERO के पास अप्लाई कर सकता है। इसके लिए हमारी नेशनल वोटर्स पोर्टल भी है, उसके थ्रू भी वो अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है घर बैठे, तो उसका वोट जो है घर बैठे उसको एपिक कार्ड घर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।